अस्सलामुअलैकुम। ये बन रहा है पानी का सलाल, जिसको बोलते हैं फुआरा, झरना, पानी का झरना बन रहा है। ये 3 डब्बे लगेंगे इसमें, फिर पानी गिरेगा उसमें से। कैसे कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ। ये इसमें 3 लाइनें हैं, एक तो ये लाइन करा है इन्होंने बीच सेंटर में, बीच सेंटर में ये लगेगा इधर डब्बा, और 2 साइडों में लगेंगे। एक इधर ये ऊपर है, और एक इधर साइड में है, और एक इधर, 3 है। और ये डब्बा लगेगा इसमें, ये मिजान में लगेगा लाजिम। इसके अंदर दीवार के अंदर जाने के बाद ये पूरा मिजान में होना चाहिए। फिर इसमें इसके अंदर से जो पानी आएगा, नीचे से पाइप लगेगा इसमें, वो नीचे गिरता हुआ पूरा एक साइड नहीं गिरेगा, पूरा डब्बा सेम सेम गिरेगा वो पानी। वो इतनी जितना ही चौड़ा है, इतना ही चौड़ा पानी नीचे गिरेगा इसमें से। तो ये यहाँ लगेंगे 3, एक 2 साइड में, एक 20 सेंटर में। ये लग चुका है डब्बा, और ये डब्बा मिजान में है लाजिम। ये 3 पाइप आ गए हैं, और इसमें एक लगेगी मोटर बाद में। ये लग चुका है हेलो आधा लाजिम मिजान रखी हुआ आधा, फिर रखी गया था मिजान, मतलब लाजिम मिजान है। ये डब्बे लगने के बाद इस पे प्लास्टर होएगा, प्लास्टर होने के बाद चारों साइड में रुखाम लगेगा, पत्थर लगेगा जिसे बोलते हैं। फिर उसके 20 सेंटर में लगेगी टाइल, जैसे खलता लगा दिया है। ये डब्बे ढक दिए हैं, अब इसके ऊपर से प्लास्टर होएगा, और फिर अदा भी इतने मसरफ मौजूद से इंतर हदा पे मोए जी बर्रा बल्ला के आईला जी है ना मजबूत कल कल आसंदर बाद में ये पानी गिरेगा इससे नीचे। ये पाइप है। हाँ, तो ये फाइनल कैसा होता है तो वो मैं तुम्हें दूसरी वीडियो में बताता हूँ। तो मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में।